मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरे शोहर के एक ही सजा मेरी बेटी को मिले। मैंने आपसे कहा ना, आपकी बेटी और इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझसे तो है ना ताल्लुक, इसी ताल्लुक के वास्ते मेरी मदद करो। सारा घर कोशिशों में लगा हुआ है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। प्लीज अपने मंगेतर से कहो ना कि वो कुछ मदद करे। आपसे सिर्फ मेरा ताल्लुक जिल्लत का है। हाँ, जिल्लत का है। याद है उस दिन स्टेज पर तुम्हारी वजह से मेरा हार उतरवाया गया। लेकिन मां पारा, वो हार नहीं उतरा था मेरे गले से, बल्कि मेरी इज्जत, मेरा गुरूर नोच कर फेंक दिया था तुमने। बस उसी दिन से तुम मेरी आंखों में खटकने लगी। आपने एक नेकलेस के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो नेकलेस आपके ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा था, इसलिए उतारा था। तुम भी हमारी फैमिली के साथ मैच नहीं करती थी, इसीलिए सबके दिल से उतरवाई गई। आपके नजदीक एक नेकलेस में और जीते जागते इंसान में कोई फर्क नहीं है? क्या फर्क है? दोनों मामलों में जिल्लत ही तो मिली। मेरा बाप मर गया और मेरे अरमान मर गए। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर बता रहा था कि सुहेल तुम्हारी वजह से खुद कार ड्राइव करने लगे हैं। इसलिए हॉस्पिटल भी नहीं आए। सच तो यह है मां पारा कि तुम्हारे आगे सुहेल को कुछ भी नजर नहीं आता, ना उनकी बेटी ना उनकी बीवी। तो आप भी अपनी मॉम की तरह यह कहना चाह रही हैं कि मैंने आपके शौहर को फांस लिया है? तकलीफ तो ये कहते हुए इतनी ही होती है जितनी सोच कर होती है कि मेरा शौहर पहले दिन से तुम्हारे पीछे पागल है। बकवास। शादी की पहली रात उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे माफी मांगी। तुम ही बताओ कि तुम्हारा शौहर शादी की पहली रात तुम्हें ये सब कहता तो तुम क्या करती? आप मुझे साफ साफ बता सकती थी। और तुम मेरी शिकायत नहीं करती किसी से? तुम्हारी उस शिकायत की वजह से मुझे तलाक हो जाती। आपने तलाक के डर से मुझ पर मेरे रिश्ते हराम कर दिए। रिश्ते इंसान के जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लेते हैं। और तुम देखो मैं किस अजियत में सोहेल के साथ जिंदगी गुजार रही हूं। आप तब भी गलत थी। तुम्हें मैं अब भी को निगाड़ लगती हूं, लेकिन एक दफा मेरी जगह आकर देखो महाबारा, मैं तुम्हें मजलूम लगूंगी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सुना आपने? हाँ पारा, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। प्लीज मुझे मेरी बेटी लौटा दो। आप कहे ना इसे, इसे कहे कि मेरी बेटी लौटा दे। प्लीज पारा, मुझे मेरी बच्ची लौटा दो।